एंड डीटी का राहुल सर आपके साथ शेयर करेंगे एबीसी एनालिसिस सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है यही नहीं ये यह भी देख लेंगे अपन की इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है विच मीन आई नो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंपोर्टेंट है बट इस अटैम में क्या लगता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा इसके अलावा क्या सीक्वेंस होना चाहिए एग्जाम से पाँच दिन पहले स्टडी करने का और अभी रिवाइज करने का अप्रैल में आपका एफआर का अगर विजन प्लान है तो और कैसे अभी से अपन वो एग्ज़ाम से लास्ट फाइव डेज की तैयारी एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सके इसके अलावा आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर दिस विद यू कि क्योंकि एमसीक्यूज आ गए हैं अब एफआर के पेपर में तो एमसीक्यूज सी क्यूज ज़्यादा कौन से चैप्टर से पूछे जा सकते हैं सर आपको कहा से पता अभी तक इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज सी क्यूज इंडेज के ऊपर बेस्ड पेपर बनाता है इंडे सर्टिफिकेशन कोर्स में एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर दैट और मैंने उनके कई सारे पेपर्स देखे विद दैट एक्सपीरियंस ऑल बी शेयरिंग कि मेरे हिसाब से कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स एम सी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड uh, क्योंकि एफ आर के पेपर में कुछ चेंजेस हुए हैं नई चीज़ें आई हैं और आई बी एस में उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस बारे में एक छोटा सा डिस्कशन अपन इसमें करेंगे लेट लेटस फर्स्ट स्टार्ट विद द सिक्वेंस एंड ए बी सी अगर मैं सीक्वेंस एबीसी की बात करूं दोस्तों तो एबीसी कैसे निकलता है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द पास्ट एग्जाम पेपर पैटर्न विच इज एडजस्टेड अ लिटल बिट बेस्ड ऑन द द द आरटीपीज एमटीपीज ऑफ ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट एंड आरटीपी दी अटेम्प्ट ऑब्वियसली इन लाइन विद द एग्जाम क्वेश्चन अगर मैं एक स्टैटिस्टिकल एबीसी निकालू बेस्ड ऑन फैक्ट्स तो पिछले आठ अटेम्प्ट में टिल नवंबर 2023 शियल इंस्ट्रूमेंट कंसॉलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन और रेवेन्यू फ्राम कॉन्ट्रेक्ट विध कस्टमर ऐसे चैप्टर है जिनका क्वेश्चन हर पेपर में एट आउट ऑफ एट टाइम्स एट वन जीरो सेगमेंट शेयर बेस पेमेंट ऑफ लीजेस का सिक्स आउट ऑफ एट या थ्री आउट ऑफ फोर अटेम पूछा गया है तो दिस इज ऑल्सो ये कैटेगरी इसके अलावा शेड्यूल थ्री इंडे वन इन्वेंट्रीज पीपी फॉरेन एक्सचेंज ईपीएस इंपेयरमेंट एग्रीकल्चर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये आठ में से चार बार पूछे गए यानी हर ऑल्टरनेट अटैम्प में आते हैं हालांकि ऐसा नहीं है कई बार सलंग तीन अटैम्प में आएंगे तीन अटैम्प में नहीं भी आएंगे बट अगर आपको इनमें से पता करना है कि आप पिछले अटैम्प में आया था तो सिक्सटीन ट्वेंटी वन एन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रीवियस अटैम्प में आ चुके हैं तो शायद इनकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीप में आने की कंपेरिटिवली कम होगी तो इस आने वाले अटेम्प्ट के लिए हम बोल सकते हैं कि ये शायद बी कैटेगरी है ए नहीं। है। सबसे कम पूछे जाने वाले स्टैंडर्ड हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड बोरिंग कॉस्ट पर ये चारों में से एक इंडेस से रिलेटेड पिछले अटैम्प में क्वेश्चन नहीं पूछा है एनीथिंग विच इज इन ग्रीन इज इन द प्रीवियस अटैम्प इसे देख के मैंने एक सवाल ये भी पूछा है कि क्या वाकई ए काम करता है क्योंकि आप देखो मैंने जिन जिन चीज़ों पर ग्रीन मार्क किया है वो पिछले टेम में पूछा गया था और आप देख लीजिए दोस्तों कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रीन टेक मिलेगा यानी कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी या डिफरेंट ए बी सी सारी कैटेगरी में से क्वेश्चंस आते हैं और अब तो एमसीक्यूज आ गए तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एबीसी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जितना मैंने देखा इंस्टीट्यूट जो इंडे सर्टिफिकेशन के मटेरियल में क्वेश्चंस पूछता है और मुझे लगता है शायद वही बेस होगा एग्जामिनर के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने का अपार्ट फ्रॉम द आईसीआई दे हैव शेड कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एमसीक्यूज तो अगर कोई सोच रहा है कि यार पिछली बार कंसोलिडेशन का कंपल्सरी क्वेश्चन आया वो भी घातक घातक नहीं था गलतियों से भरा हुआ था और इंस्टीट्यूट अपनी गलती मानने को तैयार नहीं स तो अब वो वापस तो ऐसी गलती दोहराएंगे नहीं वापस तो अपने मुंह पे इतना कीचड़ उछालेंगे नहीं कि वापस से वो कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पूछे अरे सर चैलेंज मत करो इंस्टीट्यूट चैलेंज ले लेता बेटा तुम्हारे पेपर बन गए अब तो चिंता मत करो इसलिए अब अपन चैलेंज कर रहे हैं अब कुछ नहीं करेंगे तो सर कंसोलिडेशन का दोबारा तो कोई ऐसा घातक क्वेश्चन आना नहीं है ऐसा एक आम मान्यता बनाई जा सकता है घातक आएगा तो भी गलतियों से भरा तो कम से कम नहीं आएगा और सही पूछो तो हम सब सही कर लेंगे बट ये मत सोचना दोस्तों कि इस बाहर क्योंकि पिछली बार आ गया टफ आया था फिर भी नहीं कर पाया तो छोड़ ही दू नहीं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शेड्यूल थ्री इंडेस वन लीजेज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं सिमिलरली शेयर बेस्ड पेमेंट के आते हैं फेयर वैल्यूज के आते हैं प्लस यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इन्वेंट्री कैश फ्लो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट्स एंड एरर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेस ऑन इनकम पीपी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर आप डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर एमसीक्यूज में फॉर एक्सचेंज ई पी एस एम्पेयरमेंट एग्रीकल्चर भी एक क्रिटिकल स्टैंडर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यूज प्लस क्योंकि अब एस कम्पेरेटिव भी आ गए तो हो सकता उससे है उससे रिलेटेड भी एमसीक्यू आए बोलना नहीं चाहिए बट हो सकता है एथिक्स वाले टॉपिक पे भी कोई इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछ ले तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, है तो अब हमें क्या सीक्वेंस रखना चाहिए ये देखो समझो दो मई को आपकी एग्जाम है तो दिस इज डेट ऑफ एग्जाम आप उससे पांच दिन पहले मिनिमम एफ की तैयारी शुरू करेंगे तो फिफ्थ डे बिफोर द एग्जाम यू शुड टेकअप इन माई ओपिनियन दैटेगरी टॉपिक विच इज एफ आई शेयर बेस्ड पेमेंट कंसॉलेशन

आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना क्यों क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी सब्सक्राइब नहीं करने की हरकत से हो सकता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे नोटिफिकेशन में आने से रह जाए जिसके ऊपर तुम कई घंटों मेहनत करो और मालूम पड़ा ओ सर ने यही चीज़ बनाई जो हम चाह रहे थे काश हमें पता होता तो हम ये देख लेते हालांकि खुद की मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं है लेकिन ये बात भी है दोस्तों कि औरों की मेहनत से अगर हम फायदा उठा सकते हैं तो क्यों ना उठाएं सब्सक्राइब 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 लास्ट मिनट रिविजन नए थ्योरी चैप्टर्स ये आपको एग्जाम के दिन सुबह करना है कोई भी इंपॉर्टेंट रगी क्वेश्चन जो आपको लगता है बार बार मुझसे गलत हो रखा है आपने पेज मोड रखे हैं मार्क कर रखे हैं उसको एग्जाम से सुबह देखना है दिस इज बेसिकली मार्क फॉर द लास्ट डे तो ये आपका एबीसी भी हो गया और एक सीक्वेंस भी हो गया इन सब में मेरी कुछ बेसिक टिप्स का ख्याल रख ले दोस्तों अगर आपने कोई प्लान बना रखा है तो कृपा करके उसे फॉलो करें मेरे प्लान को मत फॉलो करें उसका रीजन ये है योर प्लान इज द बेस्ट प्लान इफ यू आर एबल टू एक्जीक्यूट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए देर इज नो बेस्ट स्ट्रैटेजी एक्सेप्ट कंसिस्टेंसी आपने प्लान कर लिया पढ़ाते जाइए एक सिंपल सी बात ध्यान रखना दोस्तों एक एक्चुअल किस्सा बताता हूँ आपको देर इज दिस पर्टिकुलर कॉमेडी शो विच वॉज रनिंग इन द यू एस एंड इट वॉज अ सुपर हिट एंड देवर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर शो कि हम उससे और ज्यादा कैसे मोनिटाइज कर सकें और ज्यादा शोज बना सकें तो दे थॉट कि मैकेजी को हम अपॉइंट करते हैं और उससे कुछ स्ट्रैटी लेते हैं कि इसे कैसे और एफिशिएंट बनाया जा सके तो so जो स्टार होस्ट था उस पर्टिकुलर शो का उससे फाइनली बोला गया कि दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर प्लानिंग द टीवी चैनल दैट दे विल गिव अस द स्ट्रैटजीज थ्रू विच वी कैन मल्टीप्लाई दी नो वॉट ई सेड ई सेड विल मेक नो हाउ टू मेक पीपल लाफ एंड इफ द आंसर इज नो अवॉइड इट आर शो इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज वी आर एफिशियंट आर शो इज सक्सेसफुल बिकॉज आई टेक केयर ऑच ही थिंग

तो इसके लिए कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी कोई शॉर्टकट नहीं होता है मेहनत से करी हुई चीजें ही आपको पक्का रंग निकाल कर देंगी बाकी फिर किस्मत पे रहेंगे तो स्ट्रैटेजी सारी बढ़िया है बस एग्जीक्यूट करना है कंसिस्टेंट रहना है कोई नया टॉपिक इस समय पे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब पूरा फोकस आपका एग्जाम पे होना चाहिए रिसर्च गुड टू नो थिंग्स ये सब को हटा दीजिए प्योर एग्जाम में जो चीज़ें रिलिवेंट होती है उनको देखिए आखिरी पाँच दिन में आपको सेल्फ स्टडी करना है यूट्यूब कम से कम एक्सेप्शनल केसेस में विथअ टारगेट की ये चीज़ मुझे देखनी है समझनी है उसके लिए यूट्यूब पे जा रहा हूँ वहाँ तक ठीक है हर मार्क काउंट करता है ध्यान रखना दोस्तों जिसके थर्टी नाइन आएंगे वन नाइन्टी नाइन आएंगे थ्री नाइन्टी नाइन खैर अब तो इसको क्या कर देना चाहिए बोध ग्रुप है तो आइडियली दिस विल नॉट बी थ्री नाइन्टी नाइन तो आप मैंने जो है टू नाइन्टी नाइन या फिफ्टी फर्स्ट रैंक जिसकी आती है आप समझ लीजिए क्या होगा उसमें तो हमें हमेशा जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं आपको एग्ज़ाम के शाम का पाँच बजे का वो समय ध्यान रखना है कि आप उस दिन बाहर निकलते समय अपने अंदर कैसी फीलिंग रखना चाहते हो आपको रिजल्ट का वो दिन ध्यान रखना है आपको सीए का फेलिसिटेशन डे याद रखना है कि कैसे आप टोपी उछालने वाले हो अपने एग्जाम के बाद जिसको आपके फ्रेंड्स क्लिक करेंगे और शेयर करेंगे और आपके घर वालों के सर पर एक ताज आ जाएगा आपके इस एफर्ट की जो आपको अगले एक महीने में देना ऑब्वियसली द लास्ट वन मंथ इज द वन विच काउंट्स द मोस्ट एंड दैट इज वाई यू शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू योर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इन्हीं स्टूडेंट्स को अगर इन टॉपिक्स में और सिलेक्टिव जाना है और देखना है क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिया है कि शेड्यूल थ्री इंडेज और रोड मैप मुझे लगता है दोस्तों रोड मैप में क्योंकि कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है तो लेट मी टॉक अबाउट द न्यू थिंग्स विच द इंस्टीट्यूट इज एडेड मैंने क्या किया आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिए चेंजेस क्या हुए एम सी तो मैंने ए बता दिया कुछ चैप्टर इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं विच इज बेसिकली रोड मैप और इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी एथिक्स एज इंडेज के कंपैरिजन कुछ स्टैंडर्ड्स के लिए और शेड्यूल थ्री में गाइडेंस नोट ऐड किया है सीलियन फीचर्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अपकमिंग एग्जाम के लिए ये दो टॉपिक हटा दिए और इसी बात है इसके अलावा अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं तो ये मैंने पहले आपके साथ वीडियो शेयर किया था इस पर्टिकुलर शीट में पीछे अटैच कर दिया है हर पर्टिकुलर चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने क्या कोई नया इलस्ट्रेशन क्या कोई नया एग्जाम्पल कुछ भी ऐड किया है डिलीट किया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है मैं मानता हूं कि आप लोग चेंजेस को हमेशा इंपॉर्टेंट मानते हो तो यहाँ पे ये चार पेज में आपको चारों आईसीआई के मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस हुए क्वेश्चन लेवल तक कि कौन से क्वेश्चन ऐड हुए हैं डिलीट हुए हैं ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन केस इफ यू वॉन्ट टू रेफर टू हव लेट मी टेल यू दैट वॉट इज इंपॉर्टेंट योर इज़ रोड मैप में क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड किए हैं इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंटली कवर करें एन बी एफ सी रिलेटेड प्लस शेड्यूल थ्री के स फीचर्स गाइडेंस नोट के और रोड मैप का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आई फील दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट सिमिलरली कंसॉलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में शेयर बेस्ड पेमेंट में असेट रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आपके रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ फॉर ऑल द टॉपिक्स ध्यान रखना आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं आपको आर भी कवर करना है एटलीस्ट मिनिमम पिछले तीन अटैम्प्ट की और एम इस अटैम्प्ट की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि इससे पहले एग्जाम पेपर बन जाते हैं तो प्रीवियस अटैम्प्ट की एम एग्जामिनर के पास होगी जिस समय वो पेपर बना रहा होगा अगर वो वहां से कॉपी करके पेपर बनाना चाहेगा तो इस अटैम्प्ट की एम उसके पास होगी नहीं पेपर कॉपी करके बनाने के लिए तो इसके लिए उसने एम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाइए प्योर कॉइंसिडेंट है पर उसने रेफर नहीं किया होगा पेपर बनाने वाले ने उसको सजेस्टेड आंसर नवंबर 22 और मई तेईस के पेपर के डेफिनेटली देखें इनफैक्ट अगर आपके पास अवेलेबल हो पिछले पाँच या दस अटेम्प्ट के पूरे सजेस्टेड आंसर के प्रिंट आउट तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा सुझाव है कि एटलीस्ट पांच अटेम्प्ट के देखना चाहिए एफ का पर्टिकुलरली मे 2024 में जो नवंबर 23 का सजेस्टेड आंसर है वो यूजलेस है तो नवम्बर तेईस यूजलेस है उसको आप इग्नोर करना चाहें इग्नोर करते हैं कुछ काम का नहीं है ठीक है ये डिटेल्स आपको दी हुई है कि आपके क्या क्या चेंजेस प्रणाली हुए हैं मेजरली तो आप इन सबको और डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं दिस इज ऑल फॉर योर ओन रेफरेंस तो एक बार वापस से कंक्लूड करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारी तैयारी कैसे करना है तो हमारा ए क्या होगा तो हमें स्टाटिस्टिक्स के अनुसार देखना है क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम उसके हिसाब से जो मैंने आपको सीक्वेंस सजेस्ट किया है यही आपका ए बी सीक्वेंस भी है इन द रिवर्स ऑर्डर इस सीक्वेंस से ही आप पढ़ाई कर सकते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट विथ हियर एंड देन मूविंग ऑन ग्रेजुअली अप द लैडर एक और चीज जब आप पढ़ाई करेंगे तो क्या सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने की जरूरत है तो नॉर्मली आपने जो क्वेश्चन पहले मार्क कर रखे इंपॉर्टेंट या क्लास में मार्क करा इंपॉर्टेंट उस पर फोकस करें जो जो क्वेश्चन आपसे पहली बार गलत हुए थे अगर आपने मार्क कर रखे जैसा मैं क्लास में आपको बोलता हूं करने के लिए तो आप उस पर बस फोकस करें बाकी सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं अब लिख लिख के क्वेश्चंस करने वाला समय नहीं है अगर आप पहले ऑलरेडी एक रिवीजन में ऐसा कर चुके हैं अदरवाइज आप बड़े बड़े चैप्टर्स में कॉम्प्रिहेंसिव एक या दो क्वेश्चन लिख के कर ले उससे ज्यादा नहीं अब आप मॉकटेस्ट पेपर के थ्रू चीजों को मैनेज करेंगे एक एक मॉकटेस्ट पेपर आपको चाहे तो फर्स्टेस्ट सीरीज का या आई का कोई भी दे दीजिए सेल्फ इवेलुएट कर लीजिए इवेल्युएशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके कर, कर लीजिए एक मॉक टेस्ट आपको मिनिमम सारे सब्जेक्ट्स का देना है नहीं दे पाओ तो कम से कम एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी बेर मिनिमम इतना तो देना ही है इसके बिना एग्जाम में जाना नहीं तो अब हमें कैसे रिवाइज़ करना है ये ए बी सी एनालिसिस है सीक्वेंस दिया हुआ है इस हिसाब से, से फोकस करना है ध्यान रखना है कि जो चैप्टर एम सी क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें ज़रा भी मिस नहीं करना है इन सब के अलावा जो जो चीज़ें नहीं आई हैं उन पर डेफिनेटली हमारा फोकस ज़्यादा होगा उनके अंदर कोई नए टॉपिक ऐड हुए हैं तो उस पर हमारा फोकस और भी ज़्यादा होगा फाइनली आई बी एस के लिए क्या करना है आई एल शेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग बट अगर आप बुध ग्रुप दे रहे हैं तो अभी आपको एफ आर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई बी एस की कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट पाछे केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका आइडिया लग जाएगा अगर आपने पहले जी एफ आर एस के पेपर दे रखे हैं तो आपको वो करने की भी जरूरत नहीं है सारी चीज़ें टेलीग्राम के चैनल पे प्लस फास्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं और क्या क्या आपको नीड है कंटेंट की आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं स्टे कनेक्टेड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट साथ में तैयारी करेंगे दोस्तों में चॉइस की एकदम लगकर मजबूती के साथ कर दिखाएंगे थैंक यू